हरियाणा पंजाब बॉर्डर से किसानों का दिल्ली कूच आंदोलन 29 फरवरी तक टाला गया। किसान आज देश भर में निकालेंगे कैंडल मार्च। किसान नेता सरवर सिंह पंडेर ने खनौरी बॉर्डर पर दी 29 फरवरी तक के शेड्यूल की जानकारी। कहा कि 25 फरवरी को शंभू और खनौरी बॉर्डर पर किया जाएगा सम्मेलन। किसान संगठन 26 फरवरी को देश भर में निकालेंगे ट्रैक्टर मार्च। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का पुतला भी फूकेंगे। किसान संगठन 27 और 28 फरवरी को करेंगे आगे की रणनीति पर बैठक। 29 फरवरी को करेंगे आंदोलन के आगे चरण का ऐलान। हरियाणा के हिसार में किसानों और पुलिस के बीच जोरदार भिड़ंत। किसानों को रोकने के लिए पुलिस ने दागे आंसू गैस के गोले। पंजाब के किसानों के समर्थन में खनौरी बॉर्डर जा रहे थे हरियाणा के किसान। पुलिस के रोकने पर किया जबरदस्त हंगामा। किसानों ने पुलिस पर पथराव भी किया। बेकाबू हो रही भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया। कई किसान हिरासत में लिए गए। ट्रैक्टर ट्रॉलियां पुलिस ने जब्त की। किसानों को शंभू और खनौरी बॉर्डर की तरफ बढ़ने से रोकने के लिए हिसार में भारी तादाद में पुलिस बल तैनात। शंभू बॉर्डर पर उपद्रवियों पर निगरानी के लिए PTZ कैमरे लगाए गए हैं। बॉर्डर पर हिंसा को देखते हुए अंबाला पुलिस ने अब तक 4 केस दर्ज किए हैं। वीडियो रिकॉर्डिंग से हो रही है उपद्रवियों की पहचान। किसान आंदोलन के बीच आज पीएम मोदी करेंगे दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना के पायलट प्रोजेक्ट का उद्घाटन। पीएम मोदी देश भर में 18,000 प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के कंप्यूटरीकरण का भी शुभारंभ करेंगे। गोदामों और कृषि से जुड़ी अन्य बुनियादी सुविधाओं की शुरुआत करेंगे। पीएम मोदी आज सहकारी क्षेत्र के कई प्रोजेक्ट का उद्घाटन शिलान्यास करेंगे। सुबह 10:30 बजे प्रगति मैदान के भारत मंडपम में होगा कार्यक्रम। पीएम मोदी आज विकसित भारत विकसित छत्तीसगढ़ कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। दोपहर 12:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे। पीएम मोदी 34,400 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। सड़क, रेल, कोयला, बिजली और सौर ऊर्जा सहित कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों से जुड़ी परियोजनाएं। पीएम मोदी का आज शाम से गुजरात का 2 दिन का दौरा। जामनगर में करेंगे 2 किलोमीटर लंबा रोड शो। पीएम मोदी रविवार की सुबह 7:30 बजे बेट द्वारका मंदिर में करेंगे दर्शन। सिग्नेचर ब्रिज के उद्घाटन के बाद द्वारकाधीश के मंदिर में करेंगे दर्शन। पीएम मोदी रविवार की दोपहर में जाएंगे राजकोट, एक जनसभा को संबोधित करेंगे। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा 2 दिन के ब्रेक के बाद आज मुरादाबाद में फिर शुरू होगी। आज प्रियंका गांधी भी यात्रा में शामिल होंगी। दिल्ली में आप कांग्रेस के बीच गठबंधन को लेकर आज हो सकता है ऐलान। सूत्रों से खबर, कांग्रेस को उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम और चांदनी चौक सीट मिल सकती है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच गुजरात में सीटों के बंटवारे पर आज हो सकता है डील फाइनल। सूत्रों के मुताबिक भरूच सीट को लेकर फंसा है पेच। सीट शेयरिंग को लेकर TMC से भी कांग्रेस की बातचीत जारी। मेघालय में 1 और असम में 2 सीट मांग रही है ममता। बिहार में जीतन राम मांझी की पार्टी के एक नेता ने लगाया पोस्टर। मांझी के बेटे संतोष सुमन को बताया भावी CM। 2 मार्च को बिहार के दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। औरंगाबाद और बेगूसराय में होगा प्रोग्राम। NDA सरकार बनने के बाद पहला दौरा। RJD कांग्रेस पर सम्राट चौधरी का निशाना। बोले कि बिहार और देश की जनता 2024 में सभी का करेगी हिसाब। औरंगाबाद में विश्वास यात्रा के दौरान तेजस्वी यादव ने महंगाई रोजगार को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। औरंगाबाद से गया के रास्ते में तेजस्वी यादव का जोरदार स्वागत। लोगों ने जमकर की नारेबाजी। पश्चिम बंगाल के सौंदेशखाली में नहीं थम रहा है बवाल। गांव वालों ने TMC नेता अजीत मैती को पीटा। अजीत मैती ने कहा है कि TMC का नेता होने की वजह से मुझ पर और पत्नी पर किया गया हमला। हमलावरों ने लगा दी आग। सौंदेशखाली पहुंची राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की टीम। पीड़ित महिलाओं से करेगी बात। सौंदेशखाली जा रही BJP के महिला डेलीगेशन को पुलिस ने कोलकाता में रोका। लॉकेट चैटर्जी कर रही थी नेतृत्व। फोटोशूट के लिए सौंदेशखाली जाना चाहती थी लॉकेट चैटर्जी। TMC नेता कुणाल घोष का निशाना। 24 घंटे के अंदर फिर सौंदेशखाली पहुंचे DGP राजीव कुमार। कहा कि कानून से खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। BJP ने ममता सरकार पर अवसंवेदनशील होने का लगाया आरोप। कहा कि शाहजहां शेख अभी तक गायब क्यों है। दिल्ली हाईकोर्ट ने TMC नेता महुआ मोहत्रा की याचिका खारिज की। गोपनीय सूचना लीक करने का है मामला। यूपी पुलिस की भर्ती परीक्षा में हुई FIR से खुलासा। शाम की पाली का पेपर 1 बजे ही हो गया था लीक। यूपी में पेपर लीक को लेकर सियासत तेज। अखिलेश यादव बोले सरकार जानबूझकर तो पेपर लीक नहीं करवा रही। योगी के मंत्री दानिश अंसारी ने पेपर लीक से किया इनकार। कहा कि छात्रों से आपत्ति मांगना प्रतिक्रिया का हिस्सा। पुलिस भर्ती परीक्षा मामले में लखनऊ में छात्र संगठन के साथ सदस्यों ने भर्ती बोर्ड के अधिकारियों से मुलाकात की। ज्ञापन सौंपकर पेपर कैंसिल करने की मांग की। छात्र संगठन के सदस्यों ने सोशल मीडिया पर आई पेपर्स को भी सबूत के तौर पर भर्ती बोर्ड को दिया कार्रवाई की मांग की। बिहार के डिप्टी CM सम्राट चौधरी की गाड़ी की STET परीक्षा किए जाने की मांग को लेकर छात्राओं ने रोका। गाड़ी के सामने एक लड़की ने छलांग लगाई। महाराष्ट्र के लातूर में आग का कहर कई दुकानों को अपनी चपेट में लिया। दुकानों से धू कर उठी लपटे पूरे इलाके में उची अफरा तफरी। गुजरात के नाडियाड में अहमदाबाद वडोदरा एक्सप्रेसवे पर एक बस सड़क किनारे लगी रेलिंग को तोड़कर 25 फीट नीचे गिरी। हादसे में 2 लोगों की जान गई। बस हादसे में कई लोग घायल हुए हैं। प्रशासन ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन। दिल्ली से सामने आया दिल दहलाने वाला CCTV वीडियो। आवारा पशु के हमले से सुभाष कुमार झा नाम के व्यक्ति की मौत हुई। रोमानिया और मॉरिशस के विदेश मंत्रियों से मिले S. जयशंकर। दोनों देशों से द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत हुई। दिल्ली एयरपोर्ट पर GMR ग्रुप ने ग्रीस के PM किराकोस का किया स्वागत। किराकोस ने एयरपोर्ट पर ऑपरेशन को देखा। दिल्ली एयरपोर्ट को विश्व के लिए भारत का गेटवे बताया।
रांची टेस्ट के पहले दिन इंग्लैंड ने 7 विकेट खोकर 302 रन बनाए। जो रूट ने बेसबॉल से अलग अपनी रणनीति अपनाई, रूट ने लगाया शतक। भारत के लिए तेज गेंदबाज आकाशदीप ने टेस्ट में किया डेब्यू। आकाशदीप ने शानदार गेंदबाजी करते हुए इंग्लैंड के 3 टॉप ऑर्डर को भेजा पवेलियन।